माशाल्लाह मिस फरीदा अपनी ड्यूटी थ्रू आउट द कोर्स बड़े अच्छे से इन्होंने पूरी की है। मैंने इनको एक ड्यूटी दी थी कि मुझे रिकॉर्डिंग का बारा बताती रहेगा, मैं भूल जाता हूँ, और माशाल्लाह इनको याद रहता है। खैर अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्कियां दे, आमीन। इक्वल्स टू लगा रैंक बिटवीन, हमने यहाँ बेसिकली थोड़ा सा फंक्शन टाइप करना होता है, बाकी एक्सेल हमें कहते अच्छा बस ठीक है मैं कर देता हूँ, वो आपको दे देगा। आपने फंक्शन को सिलेक्ट करना है, फंक्शन को ओपन करना है, आर्ग्यूमेंट्स को लाजमी पढ़ना है। अगर आप क्रिश बनने के चक्कर में कि यार मैं खुद लगाऊंगा तो फिर क्रिश क्या हो जाता है, उसका प्रोग्राम अक्सर बढ़ जाता है एक्सेल में आगे, क्योंकि एक्सेल के अंदर फंक्शन एंड फॉर्मूलाज बहुत तंग करते हैं। एक छोटा सा कॉमा भी अगर आप ना लगाए ना, आपका पूरा आर्ग्यूमेंट गलत हो जाता है। तो इसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स पे नीचे फोकस करना पड़ेगा। फोकस ऑन द आर्ग्यूमेंट, यू विल गो विद एक्सीलेंसी, बेहतरीन जाओगे आप, ठीक है। सो अब बॉटम की वैल्यू, जो कम वैल्यू है वो आप क्या देना चाह रहे हैं, वो मैं देना चाह रहा हूं भाई 1500, और मैक्सिमम वैल्यू टॉप वैल्यू क्या है भाई वो मैं देना चाह रहा हूं 20000, ठीक है। और अब बस इतना ही, एंटर किया, एंटर करने से देखो सिंपल एंटर करने से क्या हुआ, एक में आया। अब मैं यहां पे कंट्रोल डी कर सकता हूं, सिलेक्ट तो किया हुआ है ना, कंट्रोल डी किया, नीचे तक फिल करके दिया, फिल ड्रॉप किया इसने, फिल राइट नहीं किया। तो अब अगर मुझे इसको दोबारा से करना है, सो मैं यहां पे डबल क्लिक, सॉरी डबल क्लिक से तो नहीं हुआ, मैं यहां पे F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने से क्या होता है, जो सिलेक्टेड सेल है ना, वो सिलेक्टेड सेल में या सिलेक्टेड रेंज में सबसे पहला सेल जो सिलेक्ट हुआ हुआ है वो क्या हो जाएगा, दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, ताकि आप वहां पे टाइप कर सके। तो अब टाइपिंग के लिए अवेलेबल है। अब मैं सिंपल क्या करता हूं, कंट्रोल के साथ एंटर बटन को प्रेस करता हूं, देखो सारी वैल्यूज आ गई। और ये रेंट बिटवीन का एक ड्रॉबैक है कि इसकी हर वैल्यू आपके हर पॉइंट के साथ चेंज करेगी अपने आप को, और इसको आपने लॉक करना है। इफ यू वांट टू लॉक दीज वैल्यूज, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है कंट्रोल सी, कंट्रोल आल्ट वी। अगर आप कंट्रोल आल्ट वी नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करेंगे, देखो कंट्रोल आल्ट वी मैंने किया, हो गया। अगर आप कंट्रोल आल्ट वी नहीं करना चाह रहे, आपको चीज नहीं समझ में आ रही, तो आप कैसे करेंगे, तो आप ऐसे करेंगे, तो आप चले जाएंगे पेस्ट के ऑप्शन में, यहां क्लिक करेंगे और सबसे नीचे देखो पेस्ट स्पेशल, इसके ऊपर क्लिक करोगे, सेम कंट्रोल आल्ट वी का काम हुआ। आज मैं आपको हर काम के 2 से 3 अलग अलग तरीके बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि अब हम जरा सा मेरे वाले एक्सेल में निकल गए, प्रोफेशनल एक्सेल में। जीसीएफ की आउटलाइन खत्म, दिन दिहाड़े कौन कौन से काम करने पड़ सकते हैं, रात को भी करने पड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वो ऐसे होंगे। हर चीज का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, और डबल ट्रिपल वे में। अगर माउस नहीं है तो कीबोर्ड, कीबोर्ड नहीं है तो माउस, दोनों चीजें नहीं है तो छुट्टी मारो, फिर मसला नहीं है। पेस स्पेशल आया, इसके अंदर वैल्यूज के ऊपर क्लिक करो, ओके बटन को प्रेस करो, वैल्यूज यहां पे आपकी लॉक हो जाएंगी। नाउ दिस टाइम अगर आप किसी भी सेल को चेंज करके एंटर बटन को प्रेस करते हो, तो ये वैल्यूज अपने आप को रिपीट। अब आप इसके ऊपर कोई फॉर्मूला फंक्शन कुछ भी लगाओ, आंसर विल बी सेम। रिपीटेड वैल्यूज जो अपने आपको बार बार चेंज करी थी, लॉक नहीं थी, उन वैल्यूज पे कोई भी फंक्शन फॉर्मूला लगेगा तो उसका आंसर चेंज होता रहेगा या गलत आता रहेगा हमेशा। स्टेटिक वैल्यू होनी चाहिए किसी भी एक फॉर्मूला के लिए या फंक्शन के लिए, ठीक है। रैंक बिटवीन भी आपने सीख लिया माशाल्लाह से आज, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है जी अगला वाला, अपर लोअर एंड प्रॉपर, बहुत काम के 3 अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, देखते हैं कि क्या करेंगे। ये रहे कहां पे रहे, तो शॉर्ट हो रहे, गिरे, हाँ ओके। ये कुछ टेक्स्ट है मेरे पास, ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि अब मैं आपको इस टेक्स्ट के ऊपर यूज करके बताऊं इन फंक्शंस को, जिनको कहते हैं अपर लोअर एंड प्रॉपर। देखो बहुत बेसिक फंक्शन है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, जस्ट एक चीज आपका पहली मरतबा देखना और ध्यान से देखना, आपको ये फंक्शन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब ये होता क्या है, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, मेरे पास टाइम की कमी है। अपर लोअर प्रॉपर आप समझ जाइएगा, यूएलपी क्या होता है आप देख लीजिएगा। अपर का अगर आप फंक्शन यूज करना चाहते हैं, सो बेसिकली अपर का फंक्शन क्या करेगा,
आपके उस टेक्स्ट को जो कि स्मॉल ऑर्डर में लिखा गया है एबीसी में, या फिर सेंटेंस या ग्रामेटिकल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, उसको अपर केस यानी के कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो वो कौन करेगा? अपर केस या फिर अपर का फंक्शन करेगा। आप बोलेंगे सर ये तो इतना आसान है, आप सेलेक्ट करें F3 कर दें या फिर वर्ड की तरह एक ऑप्शन बना हुआ उसमें जाके केस को चेंज कर दें, हो जाएगा ना? कैसे होगा? मैंने विन वर्ड को ओपन किया और विन वर्ड के ऊपर अगर आप गौर से देखें थोड़ा सा, तो दिस इज द ऑप्शन, ये रहा चेंज केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस, सारे केसेस यहां पे अवेलेबल है। मैं अपना नाम लिख देता हूं जी, और मैं अपने नाम को क्या करना चाहता हूं, इसका केस चेंज करना चाहता हूं, शिफ्ट F3, केस चेंज होता रहेगा यहां से भी वहां से भी, दोनों काम हो रहे हैं। बट अगर हम एक्सेल में हैं तो देखो मैं यहां क्लिक करके शिफ्ट F3 करूंगा ना, कुछ और ही हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा जो कि मैं एमएस वर्ल्ड में करता था। इस वजह से मैंने आपको कहा कि यार एक्सेल थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा क्रिटिकल है एज कंपेयर टू वर्ड। अब आपको शायद समझ में आई होगी कि डिफरेंसेस क्या है इनके। तो अब चूंकि ये है ही न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट का नहीं है, तो ये यहां पे फंक्शन के थ्रू आपसे ये काम करवाएगा। कैसे? देखो इक्वल्स टू, और दूसरी बात ये फंक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाले अपर लोअर प्रॉपर, ये सारे वाले फंक्शन जितने भी आपके पास अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे यूज होते हैं। किस पे? टीईएक्सटी। सम केसेस में कुछ जगहों पर ये नंबर से भी यूज होंगे, बट आपके पास ये सारे फंक्शंस कहां यूज हो रहे हैं? टेक्स्ट में, खास तौर पे टेक्स्ट में यूज होते हैं। ओके जी, अब क्या करना है यहां पे, हमें ऐसे करना है कि हम चाह रहे हैं कि ये वाली जो पूरे नाम है ना, ये क्या हो जाए? अपर केस में आ जाए। ओके, मैं यहां पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कंट्रोल वी करूंगा सेम वही चीज कॉपी होगी, फायदा नहीं है। और पहले देख लो ये चीज जो है ना, ये जो नाम है ये एक्चुअल में टेक्स्ट है, कोई फॉर्मूला फंक्शन नहीं है। आपने डबल क्लिक किया, ये देखो चेक हो रहा है, ये कोई फॉर्मूला फंक्शन नहीं है, बेसिकली एक टेक्स्ट है, इसको चेंज करना है। इक्वल टू लगाया, कौन सा फंक्शन है? अपर, यू डबल पी, सॉरी मैं जज्बात में आ गया, तीन पी लग गए, पीपीपी हो गया। अपर के ऊपर टैप प्रेस करो, एक ही आर्ग्यूमेंट देगा और उस आर्ग्यूमेंट का क्या नाम है? टेक्स्ट। टेक्स्ट कौन सा है हमारा? ये रहा, क्लिक किया और इसके बाद इसको बंद किया, एंटर पर प्रेस किया। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट इज द चेंज, सारी वैल्यू को क्या चेंज करके दिया? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस बना के दे दिया। अच्छा, अब एक छोटा सा सीन है इसके अंदर, अक्सर ये चाह रही है कि यार यहां पे इसके बाद या फिर इसके दरमियान में ना मुझे जरा सी चेंजिंग करनी थी, एच यू वी आई इनको चेंज करना था। जैसे ही अक्सर ने इसको डबल क्लिक किया, ये तो चेंज ही नहीं कर सकती, क्यों? ये तो क्या है? फंक्शन है, ये तो अब टेक्स्ट नहीं रहा, तो अब इसको फंक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? क्या मैंने आपको रेन बिटवीन सिखाया हुआ है, लॉक करने का तरीका सिखाया हुआ है? ओके, इसको यहां रिपीट करो मेरे साथ, कैसे होगा? कंट्रोल सी कंट्रोल आल्ट वी वैल्यूज एंटर। अब अगर अक्सर चेंज करना चाहे तो देखो ओ को इसने क्या बना दिया? एफ। बात समझ में आ रही है? आपने एक जगह से टेक्स्ट को उठाया, उसको ताकि आप क्या कर सके, अपर केस में कन्वर्ट कर सके, आपने कर भी दिया। और ये करने के बाद जब आप इसको कहीं और पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये एज अ टेक्स्ट पेस्ट नहीं होगा, ये क्या होगा? फॉर्मूला या फंक्शन के तहत पेस्ट होगा। तो इसको फॉर्मूला फंक्शन से हटा के ओरिजिनल वैल्यूज में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेन बिटवीन, वो आपको आ गया। बात समझ में आई? ओके, अब मुझे इसको ड्रैग ड्रॉप करना है, कर दूं? ये क्या हुआ? ये तो नीचे से रिलेटिव रेफरेंस ले ही नहीं रहा, ऐसे क्यों हुआ? फंक्शन को हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। फंक्शन को खत्म करने से पहले आपको फंक्शन को जहां तक आप चाहते हैं वहां तक ड्रैग ड्रॉप भी करवाना है, ठीक है? तो मैं यहां तक चाहता था ड्रैग ड्रॉप करवाना, मैं दोबारा कंट्रोल जेड करता हूं ताकि ये क्या हो जाए, एक फंक्शन में तब्दील हो जाए।
गया। चले अब मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, सारे नाम देखो खुद ब खुद रिलेटिव रेफरेंस के तहत आ गए। इस पे क्लिक किया तो इसने इसको रिलेटिव रेफरेंस के तौर पे लिया हुआ है। अब तो नहीं बताने की जरूरत ना कि रिलेटिव क्यों हो रहा है, एब्सोल्यूट क्यों होगा अगर होता है तो, ठीक है ओके। अब अगर आप चाहें कि आप इसको वैल्यूज में कन्वर्ट करें तो क्या है, कंट्रोल सी कंट्रोल आल्ट वी और वैल्यूज, ये सारे क्या बन चुके हैं, नॉर्मल टेक्स्ट बन गया। इसमें से चेंज करना है, चेंज करने के लिए ई की जगह क्या लगा दिया, पी लगा दिया, आसानी के साथ चेंजिंग भी हो रही है। लेकिन अगर आप फंक्शन में रखेंगे तो चेंजिंग, व्हाट अबाउट सर कि अगर हम ओरिजिनल डेटा के अंदर चेंज करें और यहां पे भी चेंज हो तो आप देखो क्या होगा, एन की जगह मैं यहां लगाता हूं। अच्छा मेरे इस जगह पे ध्यान है, आपका ध्यान चेंजिंग वाली तरफ हो कि चेंज हुआ भी है या नहीं। मैं लगा देता हूं एट, एट चेंज हो गया, ठीक है। तो जो हम ओरिजिनल सोर्स डेटा में चेंज करेंगे वही चेंजिंग्स कहां भी अप्लाई होंगी, मेरे फंक्शन वाले डेटा में भी अप्लाई होंगी। बट बेहतर है कि टेक्स्ट की सूरत में आप इसको वैल्यूज में कन्वर्ट करें और साइड पे करके अपना काम पूरा करें, अदरवाइज एडिटेबल नहीं रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। शॉर्टकट की नहीं है, कंट्रोल आल्ट वी इज फॉर पेस स्पेशल, पेस स्पेशल, नॉर्मल पेस नहीं, पेस स्पेशल करने के लिए कंट्रोल आल्ट वी। गाइज अपर मैंने आपको बता दिया, मुझे लोअर प्रॉपर आप बताएंगे, इक्वल्स टू लोअर टेक्स्ट, टेक्स्ट देख लो अभी कैसा है और फिर कैसा हो जाएगा, दो अल्फाबेट्स इसमें बड़े हैं, एंटर प्रेस किया वो दोनों छोटे हो गए। इसको ड्रैग ड्रॉप करना है, सिलेक्ट किया कंट्रोल डी, काम हो गया। प्रॉपर क्या होता है भाई, प्रॉपर इज कॉल्ड अ ग्रामेटिकल केस। ये आपको क्या सिखाएगा, ये क्या बताएगा, ये क्या करके देगा, ग्रामेटिकल केस लगा के देगा, ठीक है। कैसे, इक्वल्स टू पी आर ओ पी ई आर, प्रॉपर टाइप किया, ओरिजिनल वैल्यू ले ली इसको। अच्छा ये वैसे ओरिजिनल वैल्यू है प्रॉपर में, ठीक है ये है प्रॉपर में, तो मैं ओरिजिनल वैल्यू नहीं लेता, मैं यहां से क्या लेता हूं, मैं लेता हूं ये वाली अपर केस की वैल्यू लेता हूं। इसको मैंने लिया, बंद किया, एंटर को प्रेस किया, नाउ यू कैन सी दैट पहला लफ्ज, उसके बाद दूसरा लफ्ज, उसके बाद तीसरा लफ्ज, ये क्या कर देगा हमको, कैपिटलाइज ईच वर्ड की फॉर्म में करके दे देगा आपको। अब अगर आप बोलेंगे, अब शानदार माइंड वाले बोलेंगे सर टोगल केस कैसे लगाएंगे हम इस पे, तो उनके लिए ये जवाब है कि एक्सेल पे टोगल केस अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ गई, टोगल केस के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, दोनों को खोल के एक साथ ऐसे ऐसे काम करो फटाफट फटाफट, पूरा दिन ऑफिस में यही चलता रहेगा, एक्सेल वर्ड वर्ड एक्सेल, गूगल शीट गूगल शीट, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, वर्ड वर्ड, पावर पॉइंट एक्सेल, ऐसे घूमते रहोगे। हाँ होता है होता है होता है, जब आप ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोफेशनल बन जाते हैं ना फिर ऐसे ही होता है, होता ही नहीं है ये। मैं टोगल केस का तो मैंने जस्ट आपको एक जुगाड़ बताया ना, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको मल्टीटास्किंग करनी है, हर चीज आपकी स्क्रीन पे ऑन है, और आई टैब या विंडो टैब से आप दोनों के दरमियान क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी जाना है। अगर आपको नहीं पता, आप घंटों में से नीचे आएंगे, घंटों में ढूंढेंगे वो चीज कहां पर है, फिर उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप उसके ऊपर पहुंचेंगे, जबकि आल टैब क्या करेगा, आपको डायरेक्टली उस चीज के ऊपर ऐसे ले जाएगा उस प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। सो कंट्रोल डी इज फॉर अपर लोअर एंड प्रॉपर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास लेफ्ट राइट मिड फाइंड और लेंथ, लेफ्ट राइट मिड एंड लेंथ, ये चार अलग अलग फंक्शंस भी आते हैं। मुझे ये बता दो अपर लोअर प्रॉपर तीनों को, तीनों कह रहा हूं सबको समझ में आ गया, पक्की बात है। लड़कों क्या करेगा अपर, ओए क्या करेगा अपर, शाबाश टेक्स्ट को अल्फाबेट कैपिटल में ले जाएगा। लोअर क्या करेगा, प्रॉपर क्या करेगा, आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, प्रॉपर काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की जानिब, और वो जानिब है मैं यहां गया, इन तीनों नंबर ऑफ कॉलम्स को मैं अब नहीं दिखाना चाहता इससे ज्यादा, मैं चाहता हूं ये तीनों नंबर ऑफ कॉलम्स, जजाकल्ला बाबा थैंक यू, ये तीनों कॉलम्स क्या हो जाएं,
हाइड हो जाए कैसे करूंगा? अच्छा अच्छा चलो, हाइड के अंदर एक मसला आता था, क्या होता था कि हम अंदाजा नहीं लगा पाते थे कि कौन सा कॉलम रॉ कहां पे हाइड हुई भी, ऐसे ही है ना। अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब मुझे एक और चीज भी आती है, ग्रुप करेंगे। शाबाश, ग्रुप कैसे करेंगे भाई? हमने इसको सिलेक्ट किया, हम डेटा टैब में गए, हम सब टोटल हम ग्रुप में चले गए, हमने क्लिक किया, इसका एक ग्रुप तैयार हो गया, माइनस वन क्लिक किया, ग्रुप साइड पे हो गया। इतना सिंपल सा था ना। अब देखो शार्ट हो गया, नजर ही नहीं आ रहा, ये बना हुआ है, अगर देखना है तो क्लिक करो, अगर गायब करना है तो दोबारा ऐसे क्लिक कर दो, ग्रुप चला जाएगा यहां से, ठीक है। और अब हम यहां पे करके चेक करते हैं बाकी के फंक्शन, लेफ्ट राइट मिड एंड लेंथ। सबसे पहले तो लेफ्ट है, उसके बाद राइट मिड एंड लेंथ। ये क्या होता है भाई? टुक्का लगा दो भाई। एनीवन फ्रॉम ऑन आर बॉयज? बॉयज माशाल्लाह से आज क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं, जो मैं बोल रहा हूं फटाफट उस पर काम हो रहा है, किसी भी तरीके से कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं बॉयज, ये लेफ्ट का फंक्शन क्या काम करेगा? गर्ल्स के सामने इज्जत बेइज्जती का सवाल है आज, ये कह रही है आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अलाइनमेंट का देखो, सीखो कुछ, अलाइनमेंट का काम करेगा नहीं? अब देखो कौन सी अलाइनमेंट होगी यहां पर, वो लेफ्ट हैंड वाला एमएस वर्ड में छोड़ के आ जाओ, वो एमएस वर्ड का काम था। और अगर अलाइनमेंट ही करनी है ना, तो वो करने के लिए आप होम पे गए और आपने यहां से कर ली, तो फिर ये फंक्शन साले क्यों बीच में आ रहे हैं, इनका क्या काम होगा? समझ नहीं आया, सॉरी। दोबारा से बताना, जब जा रहे होगे ना फिर बताना, आवाज कम थी ना आपकी। खैर, असीफ जब भी बात करता है बहुत कम करता है लेकिन बड़े काम की करता है। मैं भी अपनी क्लास में इनफेक्ट ऐसे ही था, पहले आदि की तरह था, फिर मैं असीफ की तरह हो गया। वो इश्तेहारात में नहीं बोलते, पहले मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसे ही ऐसा हूं। खैर, लेफ्ट का क्या काम है जी? आपके ओरिजिनल कंटेंट के सेल के अंदर से कुछ वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जितनी आप चाहते हैं वो उठा के आपको सेल में दे देगा। नहीं समझ में आई? आपके एक सेल के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें से एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको चाहिए वो उठा के आपको कहां दे देगा? उस सेल में देगा जहां आप लेफ्ट का फंक्शन यूज करने वाले हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? देखो, मैं अप्लाई कर रहा हूं, देखो कैसे कर रहा हूं। इक्वल्स टू हर फंक्शन की शुरुआत जी, ये डायलॉग हमेशा हमने याद, हर फंक्शन फॉर्मूले की शुरुआत, और नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, इक्वल्स टू लगा देना बस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इक्वल्स टू लगाया, लेफ्ट का फंक्शन एल ई एफ आ गया खुद ब खुद, टेंशन की जरूरत? एक्सेल क्या बोलता है? मैं आ रहा हूं, सबर, हमने एक्सेल को टाइम दिया, एक्सेल ने फंक्शन अप्लाई किया। और आर्ग्यूमेंट्स देखो, अब आर्ग्यूमेंट्स जरा से थोड़े से क्रिटिकल है। पहले आ रहे जी टेक्स्ट, टेक्स्ट कौन सा है जी? ये टेक्स्ट है सर, इसके अंदर से हमने क्या करना है? नंबर ऑफ करेक्टर्स उठाने, क्या उठाने? अच्छा, ये लिखा हुआ है नंबर चर्स, क्या लिखा हुआ है? नंबर चर्स। लेकिन आप लोगों को अपना जहन कहां नहीं लेके जाना, कहां पे? एक्सेल में रखना है। शाबाश, तो ये बेसिकली नंबर ऑफ चर्स नहीं बल्कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा गया है? चर्स, ठीक है। तो साइड पे बाद में, ये अलग सा टॉपिक है, हवाई जहाज का टॉपिक है। आजकल वैसे भी कराची में बहुत सारे एयरपोर्ट है, जगह जगह जहां भी आप बोरी उठाते हैं नीचे 7-8 हवाई जहाज तैयार है उड़ने के लिए। वो मीरा नागा के पुल के नीचे भी 7-8 हवाई जहाज होते हैं हमेशा, बिल्कुल। हाँ, नटी जटी के पुल पे भी देखा था उनको, आटे की बोले तो नहीं मारी थी,
तंग तो नहीं किया तुम अल्लाह वाले लोगों को? अच्छा, मसरूफ अमल होते हैं ना बेचारे, अलग अलग मामला है उनके, वो उसमें मसरूफ होते हैं। खैर, उम्मत का असासा है ऐसे लोग, कौम का असासा है पाकिस्तान की, ये नहीं होंगे तो शायद पता नहीं क्या ना हो, मुल्क फारिग हो जाएगा ऐसी। चलो, टेक्स्ट दे दिया, अब नंबर ऑफ करेक्टर, कितना है नंबर ऑफ करेक्टर यहां से हमें चाहिए? लेट्स सपोज मुझे तीन चाहिए, कितने हैं? तीन, तीन चाहिए। मैंने यहां लिख दिया जस्ट थ्री, टाइप कर दिया थ्री, इसको ऑफ किया, एंटर को प्रेस किया, टी वी वाई इज थ्री नंबर ऑफ करेक्टर्स। अगर मैं बोलता हूं मुझे कितने चाहिए, चार, क्या होगा? बी भी आएगा। देखो बी आता है कि नहीं, मैं यहां क्या करता हूं, चार करता हूं और ओ ओ बी तो आया ही नहीं जनाबे वाले की, स्पेस को क्या गिनेगा? नंबर ऑफ करेक्टर गिनेगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या गिनेगा, स्पेस को भी नंबर ऑफ करेक्टर गिनेगा। अब अगर यहां पे आयशा फोर को हटा के सिक्स का यूज करेंगे तो क्या होगा? बी भी आएगा और ये रहा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? कहां से वैल्यू उठाना? फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। अगर आप वैल्यूज को उठाते हैं, वैल्यूज नहीं, क्या करेक्टर्स को उठाते हैं, तो आपके लिए कौन सा स्पेसिफिक फॉर्मूला आएगा? लेफ्ट का। ओके ओके, दिस इज द रियल सिनारियो। यहां पे नंबर है सीएनआईसी का 42301661548-5-9, ठीक है। दिस इज दी सीएनआईसी नंबर, और मुझे यहां पर इसका लेफ्ट का एरिया निकालना है। व्हाट शुड आई डू? इक्वल्स टू लेफ्ट टेक्स्ट। अच्छा, वो तो टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, मैंने क्या पास किया? कोई मसला नहीं, देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा। मैंने नंबर पास किया, कॉमा, कितने नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए भाई? शुरू के पांच, ये कोड होते हैं, ठीक है, आपके सिटी का कोड होता है, इसके अंदर आपको ये चाहिए। आपने यहां पर 42301 टाइप करना है, फिर 5 टाइप करना है। ये करने के बाद आपने इसको बंद किया, एंटर को प्रेस किया, नाउ दिस इज द वैल्यू। ये इसका रियल यूज बता रहा हूं, और ये एक सीएनआईसी नहीं, ये 50-60 सीएनआईसीज हैं। आप सब में इस तरीके से निकालते रहेंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको फंक्शन आता है, आपने फंक्शन लगाया, ड्रैग ड्रॉप किया, काम हो गया। बट इट कैन एडिटेबल और नॉट, क्या ये एडिट हो सकते हैं या नहीं? हो सकता है, पर जी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फॉर्मूला या फंक्शन टू वैल्यूज। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो अगली चीज, मैं बढ़ान बन गया हूं। नेक्स्ट इज जी राइट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड की बात कर ली, अब हम एक्सट्रीम राइट साइड की बात करेंगे। यहां से वैल्यूज आए और कितनी आए, अब आगे देखो, इक्वल्स टू आर आई जी एच टी, राइट लगा दिया। टेक्स्ट कौन सा था? ये वाला था, कॉमा लगाया। इसके अंदर नंबर ऑफ करेक्टर आपके पास बेसिकली इस मरतबा आप कितने उठाना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूं तीन। मैंने यहां पर थ्री लगाया, ओ, 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 ओ. जी पहले सर टेक्स्ट तो दे दें, टेक्स्ट देने के बाद थ्री, उसके बाद इसको बंद किया, एंटर को प्रेस किया, आर डी टी, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? ओके, इसको हम कर देते हैं जी कंट्रोल डी, ड्रैग ड्रॉप। आपको आता है ये चीज? मैं बढ़ान बन गया, मैं आगे बढ़ान बन गया, आपको आती है ये चीज, आपको आता है मिड क्या चीज है भाई? अब एक और अलग फंक्शन आया, इसका अंदाजा लगाओ ये क्या काम करेगा जी, कैसे? आप लोगों ने इक्वल्स टू एम आई डी, ठीक है, मिड लग गया, मिड के आर्ग्यूमेंट्स पे गौर करो, इसके आर्ग्यूमेंट क्या चल रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट, कौन सा? दूसरा आर्ग्यूमेंट है आपके पास स्टार्ट नंबर, और तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? नंबर ऑफ करेक्टर्स, या फिर हम इसको चर्स भी कहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ओके, टेक्स्ट क्या है मुझे बताएं, कौन सा है? ये वाला है, ओके, कॉमा, स्टार्ट नंबर, कहां से स्टार्ट हो और कहां तक के करेक्टर्स को उठा के लाना है। ओके,
ओके मैडम ने दे दिया 4 to 8, मैं यहां लगा देता हूं 4 कॉमा लगाता हूं, नंबर ऑफ करेक्टर्स कहां तक चाहिए, 8 तक चाहिए। यहां से एक और लॉजिक आएगा कि इस 4 के बाद या इस 4 से मुझे आपको आगे कितने नंबर ऑफ करेक्टर लाके देने हैं। इस 4 करेक्टर से अगर स्टार्ट हो उठ के आना वैल्यूज का, तो वो कहां तक यानी कितने करेक्टर्स मजीद जाए। 4 के बाद और कितने चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 2 चाहिए, तो यहां 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे। ओके मैंने यहां 2 लिखा, इसको बंद किया, एंटर प्रेस नहीं कर रहा। आप मुझे बताओ कि कौन कौन सी दो वैल्यूज यहां उठ के आएंगी 4 पे। एक तो आएगा हमारे पास डी आर आएगा, मुझे ऐसे लग रहा है एक स्पेस और एक डी आएगा। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं ये देखो एक स्पेस आया और एक, क्योंकि जहां मैंने इसको 4 कहा ना इस जगह पे, यहां पर ये क्या है स्टार्ट नंबर, इससे वहीं से पहली वैल्यू उठानी है। अगर मैं बी से वैल्यू स्टार्ट करवाना चाहता हूं तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा गाइस, 5, और 5 से कहां तक चाहिए, 5 के आगे मुझे 5 वैल्यूज और चाहिए। ठीक है 5 वैल्यूज मुझे और चाहिए, मैंने लगाया एंटर प्रेस किया, देखो बी आर ए यू एन 5 वैल्यूज 5 के आगे से हमें दे दी उठा के। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई। ओके एक्चुअल यूज के लिए हम तशरीफ लेके जाते हैं सीएनआईसी नंबर पे, हमने यहां क्लिक किया, इक्वल्स टू को प्रेस किया, मिड का फंक्शन लगाया, और यहां पर स्टार्ट नंबर कौन सा है, सबसे पहले टेक्स्ट दिया कॉमा कॉमा स्टार्ट नंबर। मुझे इस मरतबा बीच का पार्ट निकालना है सीएनआईसी में, कहां का, विद हाइफीन, इस तरफ की भी, इस तरफ की भी हाइफीन चाहिए मुझे, दोनों चाहिए, दोनों डैशेस भी चाहिए। आप कैलकुलेशन करें मुझे बताएं, मैं जल्दी से वो निकाल दूं। 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट लेना है और कहां तक जाना है, फिर 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके 9 पे आया, ओ गलत लगा दिया, 9 पे आया, उसको बंद किया, एंटर पर प्रेस किया, और ये रहा आपका, मैंने सिर्फ नंबर तक गिना डैश को नहीं गिना। तो अगर मैं यहां पे नंबर को मजीद बढ़ाऊं तो अब मेरी रिक्वायरमेंट डैश वाली पूरी हो जाएगी, अब दरमियान का नंबर निकल करके आएगा। तो ये मिड का चक्कर समझ में आया, लेफ्ट का राइट का मिड का समझ में आ गया। लेंथ क्या होती है सर, एल ई एन जी टी एच, लंबाई क्या है, आओ देख लो, हम यहां चलते हैं लेंथ पे, कंट्रोल डी कर दिया इसको, हम लेंथ पे गए, इक्वल टू ये वैल्यू, इसकी क्या लंबाई है, लेंथ टेक्स्ट, जस्ट सिंगल आर्गुमेंट है, दिया क्लोज किया एंटर ओपेस किया, 15 नंबर ऑफ करेक्टर्स है जनाब इस लेंथ के अंदर। क्या ये स्पेस को भी अपने पास इंक्लूड कर रहा है या नहीं, सबसे छोटे वाले पे हम जाके चेक करते हैं, जे ओ एस ई पी एच 1 2 3 4 5 6 स्पेस 7 एच 8 9 10 11 11 ही है क्या, स्पेस को ले रहे। ओके मैं एक और मजीद स्पेस ऐड करता हूं यहां पर और एंटर प्रेस करता हूं, 12। गल समझ में आ रही है। ओके अब आप लोग एक काम करो, अब अपनी स्क्रीन पे जाओ, जितने फंक्शन अभी तक पढ़े सबकी प्रैक्टिस करो, 5 मिनट में ठीक मैं मजीद नए फंक्शन स्टार्ट करवा रहा हूं, जिसके अंदर सबसे पहला फंक्शन है फाइंड, सेकेंड वन इज सर्च, थर्ड वन इज रिप्लेस, एंड फोर्थ वन इज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, फाइंड बेसिकली क्या करेगा, आपके एक सेल के अंदर किसी भी करेक्टर की लोकेशन को फाइंड करके आपको बताएगा ये पर्टिकुलर वर्ड या करेक्टर कहां पे पड़ा हुआ है, फाइंड करके बताएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा काम है इसका, लेकिन कुछ जगहों पे आपको इसका एक्चुअल यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, लगा के चेक करते हैं जी, इक्वल टू फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट, आपको क्या फाइंड करना है जी, यहां पे ये पूछा जा रहा है, उसके बाद विद इन दी टेक्स्ट,
वेरी इंडेक्स मतलब किस टेक्स्ट के अंदर फाइंड करना है इसको, और उसके बाद अगला आर्ग्यूमेंट है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर आप गौर करें तो इन इसका पिछले दोनों आर्ग्यूमेंट से क्या फर्क है, ये जो स्टार्ट आर्ग्यूमेंट पे गौर करें, जो स्टार्ट का आर्ग्यूमेंट है पिछले दो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, एक ही फर्क है छोटा सा। ब्लैंक्स, शाबाश, इसके इसको ब्लैंक्स में रखा गया है या फिर आप समझ लें इसको ब्रेकेट्स में रखा गया है, ऐसे ही है ना। ओके, ब्रेकेट्स वाले फॉर्मूले या फंक्शन का सुन लो अब ये क्या है, जब भी आपके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट इस तरह से शो हो रहा है, स्टार्ट नंबर का आर्ग्यूमेंट जिस तरह यहां शो हो रहा है इन दी ब्रेकेट्स, तो जो भी आर्ग्यूमेंट आपके पास ब्रेकेट के अंदर शो होता है इसका मतलब है वो लगाओ या ना लगाओ दोनों दोनों सूरतों में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं यहां पे ये लगाऊं या ना लगाऊं मुझे आंसर मिल जाएगा, तो मैं नहीं लगा रहा, आप चाहें तो आप कोई भी स्टार्ट नंबर ऑफ करेक्टर दे दीजिएगा, ये वहां से आपको फाइंड करके देगा, ठीक है। अभी के लिए अगर आप कोई भी नंबर ऑफ करेक्टर नहीं देते तो ये वन से फाइंड करके जहां तक आपको फाइंड चाहिए वहां पे वो वर्ड उठा के आपको दे देगा, ठीक है। सो फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना चाहते हैं आप, मैं फाइंड करना चाहता हूं जनाबे वाला बी को, बी कौन सी जगह पे मौजूद है, तो मैं बी को फाइंड करने के लिए यहां पे लिख दूंगा सिंपल बी। लेकिन यहां से एक और बात कि जब भी हम किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर या किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट का यूज करते हैं, किसका, टेक्स्ट का, तो उसके लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास में इसको लिखना होता है, वो भी डबल वाले, कौन से, डबल इन्वर्टेड कॉमास, इसको हम डबल कोट्स भी कहते हैं। तो मुझे ये लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने लिख दिया, ओके। उसके बाद विद इन दी टेक्स्ट, इसकी निस्बतन, बी की निस्बतन अगर मैं किसी नंबर को फाइंड करना चाहूं पूरे एक्सेल के किसी भी फंक्शन के अंदर, नंबर हमारे पास कॉमा में नहीं आएगा, जबकि ये जो अल्फाबेटिकल डेटा है ये हमारे पास किस में आएगा, इन्वर्ट, क्योंकि एक्सेल असल में ये समझेगा अगर हम इसको अल्फाबेट को इन्वर्टेड कॉमा नहीं देते तो एक्सेल समझेगा कि एक और नया वाला फंक्शन खोलने जा रहा है, अब ऐसे तो नहीं कर रहा ना, इस वजह से हम क्या देंगे, कॉमा, ठीक है। तो मैंने कॉमा दिया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको लिखा, फिर नीचे देखो मुझे कह रहा है कि कॉमा लगा दो, कॉमा मैंने लगाया, अब मुझे कह रहा है अगला आर्ग्यूमेंट पढ़ लो, सिंटेक्स के अंदर अगला आर्ग्यूमेंट कौन सा है जी, विद इन दी टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर, भाई इस टेक्स्ट के अंदर, ओके। अब कॉमा लगाओ तो स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ चर्स जो भी है आपने पढ़ा था पीछे भी, आप खुद कर सकते हैं इसको, अलबत्ता मैं यहां से इसको अब नहीं कर रहा, मैं यहीं पे क्लोज करके एंटर को प्रेस करता हूं, मुझे इसने लोकेशन बताई बी की, बी कहां पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है इसमें, दूसरे नंबर पे। लेकिन व्हाट अबाउट कि मुझे पहला बी नहीं चाहिए, मुझे दूसरे बी की लोकेशन चाहिए, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पर एक और आर्ग्यूमेंट ऐड करूंगा, आप समझ आए कि आर्ग्यूमेंट किस काम का है, अब मैं इसको कहां से कह रहा हूं कि तुम मुझे बी का बताओ, तीसरे से, तीसरे से गिनना, दूसरे पे बी है ना, तीसरे से गिनना शुरू करो बी कहां पड़ा हुआ है, तो मैं यहां पे थ्री को ऐड करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, क्या हुआ, क्या हुआ, स्टार्ट नंबर तीन दे दिया ना मैंने, कहां पे ब्रेकेट ही लगाया, बंद है ना, ब्रेकेट भी बंद है, आखिरी वाला आर्ग्यूमेंट था स्टार्ट नंबर, मैंने दे दिया स्टार्ट नंबर को इन्वर्टेड कॉमा से बंद करूं, अच्छा चलो ठीक है ठीक है, मैं स्टार्ट नंबर को इन्वर्टेड कॉमास में बंद करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, अच्छा ब्रेकेट में बंद करूं, ओके, मेरी जिंदगी का पहला फंक्शन जो कि ब्रेकेट में बंद होने जा रहा है आज, हो गया, एक्सेल एक्सेल घूम गया, ये क्या हुआ, मुझे भी समझ नहीं आया, तीसरा भी नहीं है, ओके ओके ओके, मैं
अगर यहां पर वन से ढूंढता हूं तो दूसरे नंबर पे बता रहा है, अगर मैं यहां पर टू से ढूंढता हूं तो दूसरे नंबर पे ही तो है, इसने सही बताया। अगर मैं यहां पर बेटा दूसरे नंबर पे भी दो भी हैं आयशा, एक पीछे वाला एक आगे वाला भी है, सही है? ओके, मैं पांचवें नंबर पे ढूंढता हूं, वैल्यू एरर क्यों? यहां पे स्पेस का काम नहीं चल रहा, बात समझ में आई? इस वजह से जी एक पहले वाले बी की लोकेशन देख के दे दिया बस, ठीक है। अच्छा, इसको अगर यहां पे मैं इसका यूज नहीं करता और इंटरप्रेस करता हूं तो इसके अंदर भी मेरे पास दूसरी नंबर पे और बाकियों के अंदर कहीं पे भी मेरे पास भी है ही नहीं, तो ये बता ही नहीं रहा। हां, अगर यहां पे इस जगह पे एक आ जाता है एक अदद बी, तो अब ये देखो पांचवें नंबर पे बी पड़ा हुआ है, फाइंड आउट करके दे दिया। बेसिकली एक करेक्टर की जगह फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं। अब आ गया सर्च। सर्च क्या करेगा सर? फाइंड सर्च, दोनों चीजें एक ही है जी। सारी रोज, अब मैं आप वाला काम करता हूं, मैंने सारी रोज को सिलेक्ट कर लिया। नहीं, उसके अंदर रिलेटिव रेफरेंस अपने आप को ड्रैग ड्रॉप करते हुए खुद मूव करेगा, तो मुझे सारी रोज को सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एक रॉ का आंसर एक रॉ के सामने आएगा, फिर मैं उसको ड्रैग ड्रॉप कर लूंगा, वो बाकी भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस में ऐसे करना पड़ता है, रिलेटिव में नहीं करना पड़ता। अच्छा, सर्च लगा रहे हैं भाई, इक्वल्स टू एस ई ए आर लगा दिया। फाइंड टेक्स्ट, भाई क्या चीज, सेम सिमिलर आर्गुमेंट से सिमिलर सिंटेक्सेस आ रहे हैं दोनों में, इसके अंदर भी वही इसमें भी वही। देखो क्या है फाइंड टेक्स्ट, अब क्या फाइंड करना चाह रहे हैं भाई? अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं ओ को, किसको? ओ, ओके, ओ को हमने इन्वर्टेड कॉमास में दे दिया और उसके बाद कॉमा लगाया। विद इन दी टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर काउंट करना चाह रहे हैं भाई? इस टेक्स्ट के अंदर काउंट करना चाह रहे हैं, बंद किया, एंटर को प्रेस किया। दसवें नंबर पे जनाब यहां पे हमारे पास क्या है? ओ है और कंट्रोल डी। यहां पे दूसरे नंबर पे जी जाओ, इसमें तीसरे में है ही नहीं, चौथे में ये नौवें नंबर पर है और पांचवे में ये दूसरे नंबर पे। पहले वाले को काउंट करेगा, पहले वाले को करेगा, चारों को नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तीसरा है जी रिप्लेस, एक फाइंड कर लिया था, अब उसकी जगह क्या आ गया? रिप्लेस आ गया। अब देखो ये होगा कैसे, रिप्लेस से क्या समझ में आ रही है? आप लोगों ने किया वो भी है, लेकिन वो रिप्लेस कौन सा रिप्लेस था? पूरे सेल का कंटेंट रिप्लेस करने का, ये सेल के कंटेंट के अंदर कुछ हिस्से को रिप्लेस करने के लिए, कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स या फिर न्यूमेरिकल नंबर जो भी हैं, सिंबल्स हैं, उनको रिप्लेस करेगा। ओके, आई वॉन्ट टू रिप्लेस ओ विद हैश। मैं यहां पे इस केस में ओ को रिप्लेस करूंगा किससे? हैश के साथ। आओ कैसे करेंगे जी, आर ई पी एल ए रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है मेरा? ओ। ओ अगर ये टेक्स्ट है तो किसमें देना है? इन्वर्टेड कॉमास में। ओके, मैंने दे दिया, उसके बाद कॉमा स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर भाई कौन से वाले ओ को रिप्लेस करना चाह रहे हो? नंबर भी तो बताओ। स्टार्ट नंबर इसको मैं क्या बताऊं, पहले वाले के अंदर जो ओ है वो दसवें पे है, किसको? आर्गुमेंट समझो भाई, आपके सामने ही है, बहुत इजी आर्गुमेंट है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्टार्ट नंबर पूछ रहा है, फिर नंबर ऑफ करेक्टर पूछ रहा है, फिर न्यू टेक्स्ट पूछ रहा है। ओके, स्टार्ट नंबर है जनाबे वाला, सही बताया आप लोगों ने 10, क्योंकि ये सर्च में 10 आ रहा है, ओ 10 के ऊपर अवेलेबल है। ओके, आगे नंबर ऑफ करेक्टर, इसको कितने नंबर ऑफ करेक्टर से क्या करना है? रिप्लेस करना है। ओ कितने है? इसको कितने करेक्टर से रिप्लेस करना है? एक से करना है या मल्टीपल करेक्टर से ओ को रिप्लेस करना चाह रहे हो? ये भी ऑप्शन है,
मुझे तीन हैश लगाने होगी जगह पे, मैं क्या करूं? ओके मैंने यहां थ्री कर दिया, कॉमा, न्यू टेक्स्ट क्या है मेरा? हैश। मैंने यहां पे हैश को दिया, बंद किया, एंटर को प्रेस किया। कहां पे कोई गलती करने जा रहा हूं मैं? देखो गलती को ये क्या कर देगा, एरर को ये हाईलाइट कर देगा। इसने कहा कि भाई ये जो हैश है ना, ये टेक्स्ट की कैटेगरी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा जनाबे वाला, आपको इसको इन्वर्टेड कॉमास में लाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नाउ दिस टाइम एंटर। मेरे ख्याल से 9 से करना है, नहीं ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट हमने दिया, हमने स्टार्ट नंबर दिया, हमने नंबर ऑफ करेक्टर दे दिए कितने चाहिए थे। इसको अगर मैं यहां से एक करूं तो भी मुझे तीन हैश तो नहीं देने कहीं। ओ क्यों आ रहे, कैसे हटेगा? ओ को तो नहीं चाहिए। ये किसको कर रहा है? इसके अंदर कितने ओ हैं? एक ही ओ है, वो भी स्मॉल ही है। इसके अंदर ओ स्मॉल नहीं था, हमने क्या कर दिया था, कैपिटल लगा दिया था। अब भी वही ओ तो अब भी आ रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा ये ओ को अब भी। चलो कोई मसला नहीं, हमने इसको हटा दिया, हम दोबारा से करते हैं। इस मर्तबा रिप्लेस करना चाह रहे हैं हम किसको, टीवी को। ठीक है, ओके, मैं यहां पर टी और बी दोनों को लिख देता हूं, कॉमा, स्टार्ट नंबर 1 ऐसे ही है, कॉमा, कहां तक, नंबर ऑफ करेक्टर कितने तब्दील होंगे, 2 हो गया, कॉमा, न्यू टेक्स्ट क्या रखने हैं इन दो करेक्टर्स में, टी बी की जगह क्या आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए जी जी। ठीक है, क्या आंसर सही आएगा? क्या हुआ, कौन सा सेल सिलेक्ट करना है? अच्छा जी, मैंने दोबारा से हटा दिया ओल्ड टेक्स्ट, इस सेल को सिलेक्ट करूं? ओके, मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, स्टार्ट नंबर 1, पहले वाले सेल को, सॉरी, पहले वाले करेक्टर से लेके तीसरे वाले करेक्टर तक। अब आप लोगों ने लाइन पकड़ ली, अब आप लोगों ने लाइन पकड़ ली, शायद आप समझ चुके हैं, वो भी यहां से किसी को समझ में आई है कि मैं क्यों गलती कर रहा हूं जानबूझकर, मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा था। मैंने दोबारा से लगाया एक मरतबा और, अच्छा मैंने नहीं सुना, सॉरी, कोई बात, कोई बात। अच्छा भी अभी तो सबने ही कहा था भाई, कोई बात नहीं, अभी तो सर ने कहा। हमने ओल्ड टेक्स्ट दे दिया, हमने स्टार्ट नंबर की वैल्यू दी, हमने कहां तक, जितने नंबर वो करेक्टर हमने चेंज करने थे हमने वहां तक इसको बताया, यहां से लेके यहां तक। अच्छा अब आगे ये मुझसे पूछ रहा है कि न्यू टेक्स्ट, इसकी जगह पे न्यू क्या होना चाहिए, इस 1 से लेके 3 तक टी बी वाई की जगह न्यू होना चाहिए जनाबे वाला, एच बी एल होना चाहिए। चलो भाई एच बी एल पी एस एल, ठीक है, ये डाल दिया और इसके बाद आर्ग्यूमेंट को क्लोज किया। क्या अब जवाब दुरुस्त आएगा? क्यों पॉसिबल नहीं है, और अगर है तो क्यों है?
ओके ओके, ये देखो अब समझ में आया, यहां पे मैंने कौन सी फंक्शन लगाई हुई है, रिप्लेस की। रिप्लेस ने क्या किया, उन अल्फाबेट्स को रिप्लेस किया, उन करेक्टर्स को रिप्लेस किया जो कि एक सेल के अंदर हमारे पास इस जगह से लेके इस जगह तक कवर अप कर रहे थे, ठीक है, उनको रिप्लेस कर दिया। जी बच्चे, और भी ऐड करना है HBL के आगे, आप HBL के पास क्लिक करके स्पेस दें और ऐड कर दें, HBL PSL एंटर। शुक्र है तुमने आज मुझे बता दिया अटेंडेंस, आज मैं खुद चारों अटेंडेंस ले लूं। कहां पे उसको मैंने रिप्लेस करने को कहा है, सही कह रहे, सही कह रहे, डायरेक्ट वही कर सकते हैं, डायरेक्ट वही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक डेटा सेट है पूरी रेंज का और उसमें से आपको ये रिप्लेसमेंट 100, 150, 200, 300 मरतबा करनी है, तब आप क्या करने वाले हो, डायरेक्ट वहीं जाके रिप्लेस करते रहोगे बैठ के, ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या होगा, अगर अगली वैल्यूज चेंज हुई जिससे जिसमें इस तरीके से भी अगली वैल्यूज चेंज है तो क्या करोगे। अब अगर मैं अगर करूंगा ना इसको ड्रैग ड्रॉप, सब में HBL PSL आना है, क्यों, क्योंकि अब मैंने यहां क्या लगाया हुआ है, फंक्शन। अगर मैं डायरेक्ट यहां HBL PSL करके बाकी की वैल्यूज को ड्रैग ड्रॉप करवाऊं तो पूरे सेल की वैल्यू को कॉपी कर देगा नीचे तक, आप करके चेक करना, जो आपकी जहन में समझ में आ रही है ना बात वो करके चेक करना, आपको आंसर मिल जाएगा, अलबत्ता इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर। HBL PSL LEP HOLT, आगे अगला वाला, उससे अगला वाला, उससे अगला वाला, शुरू के तीन रिप्लेस करके अगले छह के साथ रिप्लेस हो चुके हैं, कंपेयर भी कर सकेंगे। आखिरी वाले रह गए भाई, ये मुझे आप लोग समझाएं, जान छुड़ाएं, फिर क्लास खत्म करते हैं। सब्स्टिट्यूट, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही चीज है। सब्स्टिट्यूट इसकी जगह पे, रिप्लेस इसकी जगह पे, या अगर आप ज्यादा फर्क बनाना चाह रहे हैं तो इसकी जगह पे और उसकी जगह पे, यही दो फर्क है इनके दरमियान, सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस। जी आप में से कौन मुझे सब्स्टिट्यूट बताना चाहेगा, सर ये करें, सर ये करें, इंस्ट्रक्शन कौन देना चाहेगा, हादी आप बताओ, कोशिश करो, कोशिश करो, बच्चा परेशान हो गया, अपने बाल नोच रहा है। हाँ जी, अबे भाई ये तो बच्चों वाला एक्सेल चल रहा है अभी तक, कल जब मैं शुरू करूंगा काउंट इफ और इफ्स वाले फिर पता लगेगा, फिर गिन गिन के बदले लूंगा तुम लोगों से, फिर माइक को साइड पे करके बदले लूंगा ऐसे से। हाँ ओके ओके, इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट, आ गया टेक्स्ट, टेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट, किसको, ओके टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, अब आएगा ओल्ड टेक्स्ट। इसके अंदर ओल्ड टेक्स्ट क्या है, इसके अंदर का जो ओल्ड टेक्स्ट है जनाबे वाला, वो ओल्ड टेक्स्ट है मेरे पास TBY, शुरू के तीन अल्फाबेट है, ओके मैंने यहां लिख दिया भाई TBY इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, आगे गए न्यू टेक्स्ट, इसकी जगह पे क्या चाहिए, इसकी जगह पे चाहिए जनाबे वाला समी, ये क्या हो रहा है, ये नाम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा मेरा आज, ठीक है मैंने इसको भी ब्रैकेट में डाल दी क्योंकि वजह इन्वर्टेड कॉमास में डालने की, टेक्स्ट है ओके। आगे अगला इंस्टेंस नंबर, एक खुशी की बात, ये इंस्टेंस नंबर किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है सिंटेक्स के अंदर, ब्रेकेट वाली कैटेगरी में, और ब्रेकेट वाली कैटेगरी का क्या बताया गया था, लगा लो या ना लगाओ, जवाब आपका नहीं लगा रहा मैं, छोड़ दो, बंद किया, एंटर पर प्रेस किया,
गलत, बताओ क्या गलती की है। मुझे, मैं एक हिंट दे दूं छोटी सी, मुझे लग रहा है कि शुरू वाले कुछ सीन में गलती हुई है। पहले क्या लिखेंगे? ओके ओके, मुझे यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट स्टार्ट किया, टेक्स्ट में क्या दूं मुझे ये बता दो, टी बी वाई दे दूं। ओके, मैं यहां पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टी बी वाई कॉमा ओल्ड टेक्स्ट सेल को सिलेक्ट कर दिया कॉमा न्यू टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट के अंदर मैं डाल देता हूं अपना नाम कॉमा, कॉमा है ही नहीं, बस खत्म, यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अच्छा, समी में चार लफ्ज है, इसमें मैंने तीन लफ्ज का गाए। ओके ओके ओके, मैंने आई को भी काट दिया, सैम सम, वो जो दूसरा था वो सुम है जो हम लगाते होते हैं, क्या है सुम, मैं क्या हूं सम, अगर आई नहीं हो तो। हाँ, हम अभी तक गलत बोलते थे, हम उसको सम बोलते थे। आशा कह रही सर सैम, हाँ जी, देखो अभी भी आप लोगों ने मुझे बोला एक लफ्ज ज्यादा, तो मैंने हटा दिया, अब भी वही सीन है, मसला क्या है? एक बात बताऊंगा आप लोग में से जो भी समझ जाएगा वो बादशाह, ये केस सेंसिटिव है, सब्स्टिट्यूट केस सेंसिटिव है, ये केस को बड़ा फॉलो करता है। ओके ओके, शायद अब आप समझ गए क्या करूं, टी कैपिटल करके कहां पे फंस रहे हो? फंक्शन दोबारा ऑन कर दिया, कौन सा ये वाला एस, क्या क्या जुगाड़ बता रहे हो यार, एस को भी कैपिटल कर, अब भी वही, ऐसा खतरनाक किस्म का कोई सब्स्टिट्यूट फंस गया गले में। अच्छा चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, 7:20 हो गए, एक काम करते हैं, अभी यहां पे सब्स्टिट्यूट के साथ एक क्वेश्चन मार्क मैं आपको दे रहा हूं, कल जब आप क्लास में आओगे कोई भी 10 बच्चे सब्स्टिट्यूट मुझे रिप्रेजेंट करेंगे, तैयारी सबने करनी है, मैं कोई भी 10 बच्चे उठाऊंगा रैंडमली, तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ और आप आ जाओ, 5 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आशी क्लास, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, कल तो छुट्टी हो जाएगी फिर। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, मैं किसी से भी नहीं पूछूंगा, मैं किसी से भी नहीं पूछूंगा, अलबत्ता आप लोग अपने घर से सब्स्टिट्यूट देख के आएंगे, हो गया, मैं यहां नहीं बुला के पूछूंगा, मैं जगह पे आके किसी से भी पूछ लूंगा आप ही सब्स्टिट्यूट कैसे था, तब बता दोगे, पक्की बात है, बीच में नहीं बुलाऊंगा, आप समझ आइए, चलें क्लास ऑफ करते हैं यहीं पे और सब...